के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क पुणे। रीवा के बाबा घाट में महिलाओं ने बीहर बिछिया नदी के तट पर छठ पूजा उत्सव का अनुष्ठान किया। महिलाएं आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना करी और इसी के बाद महापर्व का समापन हो गया। पिछले चार दिनों से ये उत्सव चल रहा था। रीवा के बीहर बिछिया नदी के किनारे गन्ने का मंडप सजाकर महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके बड़े ही धूमधाम तरीके से छठ पर्व का त्यौहार मनाया। इस त्यौहार में महिलाएं व्रत रखती हैं, उसके बाद भगवान भास्कर यानी सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करती हैं। सोमवार को सुबह ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया गया। इस मौके पर रीवा में नदियों के किनारे भारी भीड़ नजर आई, महिलाओं का मेला सा लगा रहा। लगातार चार दिन तक एक बड़ा उत्सव मनाया गया। छठ का व्रत रखने का अर्थ महिलाओं को सुहाग की सुरक्षा के हिसाब से भी ये व्रत रखती हैं। छठ के मौके पर छठी मैया के गीत भी गाए जाते हैं एक मनोहर अंदाज में। उनकी कथा आरती भी पूरे मनोयोग से की जाती है। इस मौके पर महिलाओं ने खास तरीके से सिंदूर लगाया, कान से लेकर ऊपर उनकी पूरी मांग भरी आई, जो उनके चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण एक अलग ही तेज दिखा रही थी। भक्ति भाव से पूरा नदी का किनारा डूबा हुआ था। आइए आपको सीधे दिखाते हैं वहां पर किस तरीके से माहौल था रीवा के बाबा घाट के पास। ये दिवाली के छठे दिन होता है, पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन ये छठ का अर्घ देते हैं शाम को और सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं और फिर चौथे दिन पारण हो जाता है। भगवान सूर्य भगवान की आराधना करते हैं इसमें। कितने दिन चलता है ये पर्व? चार चार दिन चलता है। आज कौन सा दिन है आप लोगों का? तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है। कल सुबह हम लोग आराधना करेंगे सूर्य भगवान की। क्या क्या लगता है व्रत में? सभी तरह के फल और सब्जियाँ लगते हैं। मेन होता है नारियल, पाइन एप्पल, ये मेन होते हैं, और एक लेमन आता है हम लोगों के घर का, वो मेन होता है। क्या नाम है आपका? रमा पाटिल। बोले आज छठी मैया का पर्व है और साल भर से इंतजार रहता है। हम लोग तो हर साल यहाँ आके आरती करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और फिर से अगले साल का पूरे दिन से इंतजार रहता है कितना जल्दी आए और हम फिर इसमें पर्व में शामिल हों और माता का आशीर्वाद लें। जय माता रानी। की गई है यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यह त्यौहार दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाता है, इसमें छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही मजा आता है, हम लोग इसका इंतजार करते हैं ड्यूटी करने के लिए। क्या नाम है आपका? बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ, और त्यौहारों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। इसको सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और इस पर्व का आनंद लेती हैं। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।